बिहार बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में मॉनसून को लेकर। बिहार में मॉनसून अब सक्रिय होने वाला है। बता दें कि प्रदेश में अब बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है। बता दें कि इस बार मॉनसून रिकॉर्ड तोड़ होने वाला है, यानी कि इस बार खूब बारिश होगी, झमाझम बारिश होगी। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो 27 मई को केरल में मॉनसून सक्रिय होने वाला है। साथ ही साथ ये भी बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों में इसका असर दिखने वाला है। बिहार में 13 से 15 जून के बीच में मॉनसून की एंट्री होगी। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि पिछले 5 साल में पहली बार मॉनसून के आने का पूर्वानुमान है 27 मई को, यानी कि पिछले 5 साल में यह पहली बार होगा जब मॉनसून केरल में 27 मई को दस्तक देगी। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि इससे पहले 29 मई को यानी कि 29 मई से पहले मॉनसून बहुत कम ही देखने को मिला था। इधर मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह भी बताया गया है कि इस बार मॉनसून की स्थिति काफ़ी अनुकूल बनी हुई है। यही वो कारण है जिसके चलते यह कहा जा रहा है कि प्रदेश में इस बार बारिश खूब होने वाली है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह भी बताया गया है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की एंट्री को लेकर मॉनसून की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें कि पूरे देश में सबसे पहले केरल में ही मॉनसून सक्रिय होता है और उसके बाद धीरे धीरे यह उत्तर की ओर बढ़ता जाता है। ऐसे में यह भी कहा गया है कि बिहार में आने वाले दिनों में लोगों को तेज गर्मी से राहत मिलने वाली है। इधर मौसम विभाग की तरफ से यह भी बताया गया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून 1 जून को केरल में प्रवेश करता है, लेकिन इस बार 27 मई को ही केरल में मॉनसून दस्तक देने का अनुमान लगाया गया है। मॉनसून कैसे बनता है या हम कहें कि इसका निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में बताते हुए मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार सिंह ने बताया कि हिंद महासागर में सरफेस पर गर्मी के कारण यह प्रभावी होता है। मौसम वैज्ञानिक ने यह भी कहा कि हिंद महासागर में जब लानीना एक्टिव होता है तो मॉनसून प्रभावी हो जाता है। लानीना का मतलब गर्मी से है। इसका मतलब हुआ कि मॉनसून का निर्धारण गर्मी के कारण होता है, लेकिन यह भी बताया गया कि अगर हिंद महासागर में आ लानीना एक्टिव होता है तो ठंडी होती है, तो बारिश कम होती है। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि इस बार सूखा पड़ने वाला है। तो हमने समझा कि कैसे लानीना अगर गर्म होगी तो इसका मतलब है कि बारिश खूब होगा और इस दौरान जो है प्रदेश में बारिश होने की संभावना है, यानी कि देश में बारिश होने की संभावना है। अगर हिंद महासागर में आ लानीना अगर ठंडे पड़ती है तो बारिश कम होगी और ऐसे में जो है सूखे जैसे हालात उत्पन्न होंगे। तो ये वो स्थिति है जब किसी भी अगर हम कह लें कि प्रदेश में या फिर देश में मॉनसून कितना सक्रिय होगा, कितना प्रभावी होगा, कितनी बारिश होगी, इन सब का निर्धारण जो है हिंद महासागर में आ लानीना और लानीना के कारण होता है। ऐसे में मौसम के जानकारों का कहना है कि इस बार हिंद महासागर में लानीना पूरी तरह से एक्टिव है। यही वो कारण है कि मॉनसून सक्रिय होने की बात जो है कही जा रही है। यही वो कारण है कि इस बार जो है पूरे देश में अच्छी बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम के जानकारों का कहना है कि पिछले साल बिहार में 13 जून को यास तूफान के कारण बिहार में जमकर बारिश हुई थी। पिछले साल मॉनसून को लेकर 4 महीने तक जैसे कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक बारिश का सिस्टम बना हुआ था। बता दें कि इस साल जून में साइक्लोन यास तूफान के कारण पूरे सीजन में सबसे अधिक बारिश हुई थी, यानी कि अगर हम 2021 की बात कर लें तो उस दौरान जो है यास तूफान ने अपना खूब असर दिखाया था। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि बारिश का डिपार्चर जो है 99%, यानी कि ऐसी स्थिति में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। बिहार में आसानी तूफान के कारण पिछले कुछ दिनों से बारिश हुई है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर से बारिश जैसे हालात होने वाले हैं। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में पूरी तरह से बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस तरह से कह लें कि 15 जून या फिर 13 जून जो ये डेट आया है सामने मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान को लेकर, तो ऐसे में एक तरह से कह लें किसानों को अभी से ही सक्रिय हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार जो है मॉनसून सही होने वाला है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।